वाइज लिवाइज पीटी लिमिटेड द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय वर्चुअल फैकल्टी सक्षमता कार्यक्रम। हिंदी शिक्षकों द्वारा की गई प्रस्तुति की एक झलक। मैंने एक रोबोट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई है मैम, 2 या 3 स्लाइड की, तो मैं ज्यादा टाइम लेकर नहीं प्रेजेंट करता हूँ। मैं कम्युनिटी का कम्युनिटी अमेजोन सेंटर से ताउडू से हूँ, डेल 2 से। रोबोट के द्वारा डिजिटल वर्क भी कर सकते हैं। रोबोट एक तरह की मशीन है जो खास तौर पर कंप्यूटर के द्वारा डाले गए प्रोग्रामिंग निर्देशों के आधार पर काम करता है और यह कई मुश्किल भरे कामों को सरलता से अपने आप करने में सक्षम होता है। रोबोट मैकेनिकल सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के मिश्रण से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें सभी का रोल लगभग एक समान होता है। रोबोट एज ए ह्यूमन बींग्स, मतलब रोबोट एक आदमी की तरह भी पूरा काम करता है। अभी इस पिक्चर में आप देखोगे कि रोबोट किचन का काम कर रहा है। रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसके इंसान की तरह हाथ पांव आंख कान सब होते हैं। वह चलता है, बोलता है, सारे काम भी करता है। यह घंटों का काम मिनटों में कर देता है और इससे मनुष्य का काम बहुत आसान हो गया है। इसकी दिखावट बिल्कुल मानव जैसी होती है पर गति मानव से भी अधिक होती है। मानव ही इसका नियंत्रण करते हैं और सहूलियत के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रोबोट को यांत्रिक कृत्रिम यंत्र भी कहते हैं। आज के आधुनिक युग में मनुष्य के काम को आसान करने के साथ साथ यह बड़े से बड़ा काम चुटकियों में कर पाता है। रोबोट एज ए फार्मर, रोबोट से हम खेती भी कर सकते हैं और उसके स्वायत्त रोबोट साथ भूमि उर्वर साथ जंगली पौधों खेतों को मतलब खाद वगैरह पानी वगैरह के लिए सबके लिए हम रोबोट का भी यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रेजेंटेशन। फैकल्टी इनेबल्ड ऑन एआई एजुकेशन प्रोग्राम फॉर अमेजन केस स्कूल रीड इंडिया टीम से है। सबसे पहले जो है बात करते हैं एआई, व्हाट इज एआई। तो सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन अप्रोच टू मेक ए कंप्यूटर, ए रोबोट और ए प्रोडक्ट टू थिंक हाउ स्मार्ट ह्यूमन थिंक। एआई इज ए स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन ब्रेन थिंक, लर्न, डिसाइड एंड वर्क व्हेन इट ट्राइज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फाइनली दिस स्टडी ऑप्शंस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसे मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर, एक रोबोट या एक उत्पाद बनाने के लिए एक दृष्टिकोण है जो यह सोचने के लिए है कि मानव कैसे स्मार्ट सोचता है। एआई एक अध्ययन है कि मानव मस्तिष्क की कैसे सोचता है, सीखता है, निर्णय लेता है और काम करता है। जब वह समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है और अंत में यह इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम का अध्ययन करता है। जो एआई का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्या है हमारा, तो पहला है टू हैव एन एप्रिसिएशन फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द अचीवमेंट्स ऑफ एआई एंड द थ्योरी underlying those achievements, to have an appreciation for the engineering issues underlying the design of AI system, to have a basic proficiency in a traditional AI language including an ability to write simple to immediate programs and an ability to understand code written in that language. Third, to have an understanding of the basic issues of knowledge, representations and blind and heuristics such as always understanding of other topics such as minimax, resolutions, etc. that play an important role in AI programs. To have a basic understanding of some of the more advanced topics of AI such as learning, natural language processing, agents and robotics, expert system and planning. इसमें मैं जो हमारे जो भी कलीग हैं मैं इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। पहला जो पॉइंट है AI की उपलब्धियाँ और उन उपलब्धियों के सिद्धांत को समझने के लिए उनकी सराहना और समझ है। एआई सिस्टम के डिजाइन में अंतर्निहित इंजीनियरिंग मुद्दों की सराहना करना। दूसरा है एक पारंपरिक एआई भाषा में बुनियादी दक्षता हासिल करना जिसमें मध्यवर्ती कार्यक्रमों को सरल लिखने की क्षमता और उन भाषा में लिखे कोड को समझाने की क्षमता शामिल है। तीसरा है ज्ञान प्रतिनिधित्व और अंधे और अनुमानी खोज के बुनियादी मुद्दों की समझ के साथ साथ अन्य विषयों जैसे कि न्यूनतम संकल्प आदि की समझ होना जो एआई कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एआई के कुछ और उन्नत विषयों जैसे कि सीखने,
प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एजेंटों और रोबोटिक्स विशेष एक प्रणालियों और नियोजन की बुनियादी समझ होना जरूरी है हमारे लिए। यदि मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एआई की, हम लोग जैसे कल हम लोग पढ़े थे मशीन लर्निंग पढ़े थे, जो कन्वर्सेशनल है, जो टाइप्स ऑफ एआई का जो कॉमन थ्योरी है जो ऑलरेडी हमें सिखाता है, रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयर। इसका मतलब है प्रतिक्रियाशील मशीनें, मन का सीमित होना, मस्तिष्क का सिद्धांत, स्वयं जागरूक होना। यदि मैं बात करूं एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन बिजनेस पर्पस, एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स की बात करूं तो फोर्थ चीज जैसे मैम आपने कल बताया था, अपार्ट फ्रॉम दिस एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन बिजनेस कैसे कैसे रन करते हैं, जैसे मैं यदि मैं बात करूं आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मैं अमेजोन की बात कर सकता हूं, जैसे हमारे चाइना में, सिंगापुर में जो काफी लोग इस चीज को, यूएस में कंट्री में काफी इस एआई के थ्रू बिजनेस के पोर्टल पे वो लोग काम करते हैं, चाहे वो चैटबॉट्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन ई कॉमर्स में बात करूं मैं जैसे लाइक अमेजोन, एआई टू इम्प्रूव वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में हो या एचआरएम सिस्टम में हो, एआई इन हेल्थ केयर में भी, जैसे साइबर सिक्योरिटी में भी चले जाओ आप, इवन आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लॉजिस्टिक्स में भी, अच्छा सप्लाई चेन में यूज करते हैं एआई के थ्रू, स्पोर्ट्स बेटिंग इंडस्ट्री। यस प्लीज गो अहेड। So I'll be presenting on Amazon Alexa. Alexa speaks for herself. She tells her name. So I've written, "Hey, I am Alexa, your virtual assistant." A few of the features are mentioned here: a hand-free device, because we actually don't have to use our hands while operating this device. We can speak and talk to the assistant, the virtual assistant. It's a cloud-based voice bot. And an artificial intelligence technology device developed by Amazon. Amazon ने ये device बनाया है जो कि cloud based है और आपकी आवाज से ही चलता है, आपको हाथों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है इस डिवाइस को चलाने के लिए। इसका नाम Alexa है और ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपके लिए, आपके काम आसान करने के लिए, समय बचाने के लिए आपकी मदद करता है। Amazon Alexa models and features. Amazon Alexa has multiple different models offering different and unique features, shapes and size. मैंने कुछ pictures भी इसमें attach करी हैं। Alexa multiple models के साथ आता है, जिसमें कि अलग-अलग features आपको दिए जाते हैं। कुछ में screens होती हैं, कुछ में कुछ अलग features होते हैं और अलग shapes में भी आता है। कुछ photos मैंने इसमें attach किए हैं और भी models हैं Alexa के जो कि Amazon offer करता है। The voice assistant device can speak in multiple languages. At least 8 तरीके की languages ये जो device है Alexa, Amazon Alexa बोल सकता है। आप English, Hindi, Italian ऐसी ही languages में इनसे बात कर सकते हैं और वो आपके same language में जवाब देगा। The device works with internet. ये जो device है Amazon Alexa, ये internet के साथ ही काम करते हैं। It actually is making life easier. आपके कोई भी रोज के काम है, छोटे से बड़े, जैसे कि मान लीजिए कुछ रिमाइंडर्स, काम के रिमाइंडर्स लगाना या फिर अलार्म सेट करना या फिर आपके लिए कैब बुक करना या फिर फ्लाइट बुक करना, बाकी आपका बर्थडे रिमाइंडर डालना, उसके अलावा काफी फन एक्टिविटीज में भी ये इस्तेमाल हो रहा है, एजुकेशनल एक्टिविटीज में भी ये इस्तेमाल हो रहा है आज के टाइम पर। सो दैट्स ऑल अबाउट एलेक्सा, थैंक यू। सो आई हैव प्रेजेंट prepared PPT on robotics. First of all, thank you Amazon and AIF and Wesleywise to giving me this opportunity, and I have prepared PPT on robotics. And what is robotic? Robotic is in an interdisciplinary field that integrates computer science and engineering. Robotic involves design, constructions and operations. The goal of robotic is to design machines that can help and assist humans. And uses of robotics are which mostly we are using robotics in agriculture, automobiles, constructions, entertainment, healthcare, and especially in hospitals, patient care and surgery research, and household purpose also in laboratories, science, engineering, and manufacturing labs. We are using robots. In military or in a defense, we are
using robots in demining, surveillance and attack, transportation, air, ground, rail, space, utilities, gas, water and electricity, and warehouses. So these are the some uses in where we are using robots, and these are the very useful. And I have picked up some picks that how robots can help in humans' life. So these are some pictures. You can see that in space, patient care and life-saving, or you can see them in searching, in constructions, household helping, and sea, underground, and warehouses, and heating, weldings, and operation and surgery and all that. So that's about a small presentation on robotics. Thank you so much. मैम, मैंने रॉबर्ट के ऊपर पीपीटी बनाई है और जिसमें से कुछ इसमें एडवांटेजेस के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी मैम. मिशन एंड सेव लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाइक दे डू नॉट केयर अबाउट द कंफर्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट. ह्यूमन नीड्स सच एज हंगर और डिप्रेशन हैव नो मीनिंग फॉर देम. दे डू नॉट गेट टायर्ड. देयर एक्यूरेसी इज सो हाई एंड इज इन द रेंज ऑफ मिलीमीटर्स और इवन माइक्रोमीटर्स. लाइक हम इन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको थोड़ा करने के बाद ही हम थक जाते हैं, जो रोबोट्स नहीं थकते हैं. आपको भूख वगैरह और डिप्रेशन हो जाता है जो रोबोट्स को नहीं होता. कई ऐसी डेंजरस सिचुएशंस में रोबोट्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं. मैंने रोबोटिक के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया है. रोबोटिक एक ऐसी मशीन होती है जो जितने भी हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डालते हैं तो वो उस प्रोसेसर पर काम करती है. प्रोग्राम पर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारी मशीन, हमारा रोबोट उस पर काम करता है. और रोबोट एक ही टाइमिंग में बहुत सारे काम बहुत ही आसान से कर देता है, चाहे कितने भी हार्ड वर्क क्यों ना हो. और जो रोबोटिक होता है वो मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से मिलकर बना होता है और बहुत ही यूजफुल होता है. और इसको मतलब कि जब रोबोटिक होता है तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है. तो ये कंट्रोल किस बेस पे होता है, जैसे कि इसमें डिवाइसेस डाले जाते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, इंटरनल डिवाइसेस होते हैं. और तो ये एक तरीके से मैन मेड होता है. जो रोबोटिक होता है वो मैन मेड है. और इसमें ये जो कोई भी काम इंसान से बेटर कर सकता है, इंसान की तरह भी कर सकता है. और सेकंड था टाइप्स ऑफ रोबोटिक, ये कितने टाइप्स का होता है. जैसे ये सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे सर्विस रोबोट होता है. जैसे हमने कल वीडियो देखी थी तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, एक रोबोट इस तरीके का बनाया हुआ था. एक था इंडस्ट्रियल रोबोटिक, तो हमने कल भी एक वीडियो देखी थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में रोबोट कैसे काम कर रहा है, कैसे इस तरीके की चीजें यूज कर रहा है. तो अलग अलग एरियाज में मतलब अलग अलग तरह के रोबोट्स हम यूज कर सकते हैं, जो अलग अलग तरह की सर्विस अवेलेबल कराता है हमें. तो बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट्स, डोमेस्टिक और हाउस होल्ड रोबोट्स, मेडिकल रोबोट और मिलिट्री रोबोट्स, एंटरटेनमेंट रोबोट्स, हॉबी एंड कॉम्पिटिशन रोबोट्स. तो इस तरीके के बहुत सारे रोबोट्स हैं. ये अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं. इसकी जो रोबोटिक है ये, इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं. मतलब कोई भी चीज बनती है हमारे यहाँ, पूरे कहीं पे भी लगा लो, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं. तो रोबोटिक के एडवांटेज क्या है, ये मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीजें कर सकता है, बहुत सारे हार्ड वर्क कर सकता है. और इसको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, डोंट नीड एक्सपीरियंस. मतलब विदाउट एक्सपीरियंस के भी कोई भी नया काम कर सकता है अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग. और मल्टीटास्किंग होता है. और इसको मतलब डोंट गेट बी बोर्ड होता है. और बहुत सारी इसमें यूजफुल चीजें होती हैं. मतलब रोबोटिक इज द बेस्ट और आजकल की टेक्नोलॉजी के अनुसार बहुत ही बेटर है. और इस तरीके की चीजें हमें सीखनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए. थैंक यू. ऑलराइट, सो इट्स गोइंग टू बी ऑन व्हाट इज अलेक्सा.
I think everybody is presented. I would be the last one to present on Alexa, but I think Alexa is an intelligent personal assistant developed by Amazon. And I think Amazon is playing up very good efforts on Alexa. And I think we have Alexa at our home and we are very much handicapped because we have connected our TV, we have connected our lights. And I think all of us, me, my mom and dad, I think we use Alexa a lot, putting songs of our choice. So I think it's not just on entertainment basis, but I think we have also listed up where our house is and where our office is. So it tells us about the traffic, that it's going to take us this much time. So when we are getting ready, we usually ask how much time it's going to take for us to reach office. So it tells us, and we are planning our duties on time according to that, setting reminders that wake me up at this time. And I think it's more like a person living with you, just not Alexa, but I think it plays a major role that how whatever we are saying, it's reacting towards it. It's not just in English, but in Hindi or whatever languages. And I think it's more important for a person who's alone at home. We can just talk to him or her, depending on who we have set. So I think that plays a major role. And one of the development activities would be Amazon Alexa skills, which we did today also, that we can add facts about it and how we can just tell Alexa to open the facts that we have just saved. So I think it's very interesting, and all the age people would be interested to, you know, use Alexa, because anybody, a small child, my grandfather, everybody uses Alexa, and they would just tell them according to their basis. So my grandfather would just tell Alexa, can you tell me a joke? And he would be happy listening, even if the joke is not very funny, but he would be happy listening to it. So I think that plays a major role. And some benefits, it would be that it is capable of voice interaction. I mean, whatever we are stating, we want somebody to respond to it. It's playing music for us. It's making to-do lists. If I just tell that, Alexa, remind me tomorrow to do all of these things. So it's reminding me the next very day. We're putting alarms, it telling us that, you know, you're putting an alarm in the morning, early morning, it's going to wake you up and then play songs according to your choice. So you put a schedule out of it. So I think that plays a major role. We also have podcasts, which tells us about the news which are happening. So I think it's more like a whole device. You don't have your laptop, you don't have your TV at home. I think Alexa will do its work in terms of telling news, music, providing weather conditions, telling you about traffic. So I think it's a whole, a bunch of things in a singular device that we have used. Firstly, I wanted to tell you about Alexa. What is Alexa? It is a virtual assistant AI technology developed by Amazon. Alexa Amazon का digital voice assistant है. इसका use हम smartphone और Amazon के eco products पर किया जाता है. It was first used in the Amazon Echo smart speakers. Alexa ने जो है हमारा काम बहुत आसान कर दिया है. Alexa can also control several smart devices using itself as a home automation system using our voice. जैसे अलेक्सा को हम बोलते हैं तो वो उसी हमारी वॉइस पर ही वर्क करता है. इट इज कैपेबल ऑफ वॉइस इंटरेक्शन, म्यूजिक प्लेबैक्स, मेकिंग टू डू लिस्ट, सेटिंग अलार्म, प्रोवाइडिंग वेदर. ये हमें वेदर की रिपोर्ट भी बता देता है. जैसे हमने पूछना है कल का, अलेक्सा व्हाट्स अबाउट टुमारोज वेदर, तो वो हमें वेदर के बारे में भी सारी रिपोर्ट दे देगा. कहीं जाना हो तो अलेक्सा से हम ट्रैफिक के बारे में भी पूछ सकते हैं भी हमें इस जगह जाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा. ये हमने डेली की न्यूज लेनी हो ऑन रियल टाइम बेसिस तो भी अलेक्सा हमारे लिए बहुत यूजफुल है. नाउअडेज वी गेट अदर स्मार्ट अप्लायंसेस सच एज टीवी, गीजर, एसी एटसेट्रा विच सपोर्ट अलेक्सा. जो हमारे घर में टीवी गीजर लगे हुए हैं उनको भी हम अलेक्सा द्वारा ही ऑन ऑफ कर सकते हैं. हमें फन एक्टिविटीज के लिए भी अपना अलेक्सा यूज कर सकते हैं. जैसे कई बार मेरे को गुस्सा आ जाता है तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अलेक्सा प्ले रोमांटिक सॉन्ग्स फ्रॉम माय वाइफ. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज द इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाई मशीन्स अनलाइक द नेचुरल इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाई ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. द नाउ आई विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
लाइक फर्स्ट फर्स्ट वन इज लाइक फेस आईडी इन फोन्स. जैसे फेस हम जब भी अपना स्मार्टफोन एंड्रॉयड फोन आईफोन जो भी है हम उनको जब लॉक उनका अनलॉक करना चाहते हैं तब उसके लिए हम फेस आईडी का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं आजकल, जिसके अंदर इंफ्रारेड डॉट्स का इस्तेमाल करते हुए वो पहचान लेते हैं कि जो यूज़र है ये इसी फ़ोन के हैं या नहीं है. नेक्स्ट जैसे सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक पे हमारे पास टाइम टू टाइम फ्रेंड्स के सजेशंस आते रहते हैं कि यू मे नो दिस पर्सन और इसको आप फ्रेंड बनाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब भी एआई के द्वारा किया जाता है. नेक्स्ट इज लाइक ईमेल एंड मैसेज. तो एआई की मदद से हमारे जो जैसे ग्रामरली का अगर मैं कोई मेल लिख रही हूँ तो मैं ग्रामरली का यूज़ करते हुए अपने ग्रामेटिकल एरर्स को करेक्ट कर सकती हूँ. एंड एआई जो है मेरे स्पैम्स को भी फिल्टर करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट जैसे गूगल सर्च हो गया, गूगल सर्च में जैसे हम इंटरनेट काफ़ी बहुत ही ब्रॉड प्लेटफॉर्म है तो इसमें आप जैसे एआई की मदद से आप इसके अंदर जिस भी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं एआई उसमें फास्टली उस चीज़ को कन्वे करवाता है आपके पास. नेक्स्ट इज लाइक डिजिटल वॉइस असिस्टेंट्स. जैसे अभी सवीना मैम ने और अदर टीम मेंबर्स ने भी अभी आज बात की है एलेक्सा के बारे में, ऐसे सीरी भी है, ऐसे गूगल असिस्टेंट्स भी है एंड कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना जो हमारी एनएलपी को यूज़ करते हुए काफ़ी मल्टीटास्क करते हैं. नेक्स्ट इज लाइक स्मार्ट होम डिवाइसेस. स्मार्ट होम डिवाइसेस में जैसे मैंने कल एआई के बारे में रिसर्च करते हुए मैंने एक नेस्ट के बारे में सुना. एक नेस्ट डिवाइस होती है जो आपकी एक थर्मोस्टेट होती है जो आपकी रूम आपकी हीटिंग एंड कूलिंग प्रेफरेंसेस को देखते हुए आपके रूम को पहले ही उसके अकॉर्डिंग उसके टेम्परेचर को सेट कर देती है. आजकल स्मार्ट रेफ्रिजरेटर भी आने लग गए हैं जिसमें आप लिस्ट बना सकते हो, मतलब वो खुद ही लिस्ट बना देता है कि अबाउट दोज आइटम्स विच आर नो लॉन्गर इन योर फ्रिज. नेक्स्ट इज कम्यूटिंग टू वर्क. जैसे आप किसी काम पे जा रहे हैं तो आप एआई की मदद से गूगल मैप्स की मदद से एंड रास्ते को अपने जो और ट्रैफिक जो है ट्रैफिक को भी मॉनिटर कर सकते हैं. नेक्स्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड उसकी हमारे अकाउंट की सिक्योरिटी में भी एआई काफ़ी हेल्पफुल है. नेक्स्ट इज लाइक शॉपिंग रिकमेंडेशंस. तो आपने देखा होगा कि आप किसी एक ऐप पे अगर कुछ सर्च करते हो तो आप चाहे फेसबुक पे जाएं, चाहे इंस्टाग्राम पे जाएं, एनी अदर प्लेटफॉर्म किसी पर भी जाएं, तो हम देखते हैं कि वही सेम चीज़ हमें बार बार दिखाई देती है क्योंकि सब एआई उसको ट्रैक करते रहते हैं. नेक्स्ट इज जैसे नेटफ्लिक्स एंड चिल, से मैंने एक एग्जांपल डाला है. ऐसे आपके अमेजोन प्राइम एंड अदर साइट्स भी हैं, अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इस पे आप ऑनलाइन मूवीज और अपनी ये भी ट्रैक करते रहते हैं कि आपने लास्ट टाइम पे क्या व्यू किया था, इसको आप आगे कंटिन्यू करना चाहते भी हैं. आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग मूवीज वगैरह की लिस्ट भी आती रहती है. थैंक यू एवरीवन. मेरा नाम विश्वजीत यादव है और मैं जो अभी जैसे सोना मैम ने बताया कि इसके काफी सारे एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मेडिकल फील्ड में भी है, तो इसका एक फील्ड है हमारा रोबोटिक्स में भी इसका काफी यूज है. मतलब मेन तो स्टार्ट जो होती है आर्टिफिशियल रोबोटिक्स से ही होती है. और इसमें क्या होता है रोबोटिक्स में कि जैसे मान लो रोबोट है और वो काम करता है घर में कुछ भी मान लो, तो उसमें क्या होता है प्रोग्रामिंग इस हिसाब से सेट की जाती है जो भी कोडिंग होती है हमारी सॉफ्टवेयर की उसके अंदर, कि उसमें क्या होते हैं लॉजिक लगाए जाते हैं. जैसे उसमें आपने बता दिया कि अगर इतना टेम्परेचर हो जाए उसका तो आप गैस को बंद कर दो, तो वो मतलब टेम्परेचर के थ्रू वो कोडिंग वो दिखा देता है कि हाँ इतने में उसने करना है, वो बंद करना है, इतना टेम्परेचर गीजर को उसको बंद करना है. तो ये इसकी एप्लीकेशन है रोबोटिक्स में. और अगर हम मेडिकल लाइन में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो जो हमारा MRI होता है उसमें भी क्या होते हैं, उसमें पहले से ही सारे प्रेडिकेशन जो लॉजिक है ना पहले से सेट होते हैं प्रोग्रामिंग में. और तो जो भी रिजल्ट निकलता है MRI का जो बेस होता है वो सारे प्रेडिक्शन होते हैं. इसमें एग्जैक्ट हम 100% नहीं कह सकते कि सारी चीजें 100% होती हैं, लेकिन सब चीजें क्या होती हैं वो प्रेडिक्शन होती हैं. हम जिसको नाम दे सकते हैं प्रोबेबिलिटी का नाम दे सकते हैं, सब चीजें अजम्पशंस पे होती हैं हमारी इसके अंदर. और अगर हम बात करें साइंटिफिक उसमें, तो अभी चंद्रयान का जो हुआ था, जो हमारा रोवर ऊपर गया था, वो सब क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ही एप्लीकेशन थे वो. मतलब आदमी वहां पे इंसान ना हो और फिर भी वो चीजें काम कर रही हैं, वो किसकी बदौलत है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत ही है. तो वैसे तो ये काफी दिनों से चलती आ रही है लेकिन आज के टाइम में डिजिटल टाइम में इसका ना काफी स्कोप जो है आर्टिफिशियल का काफी बढ़ चुका है हमारा.
थैंक यू।